another amazing and adventurous episode of Discovery Ride with Zenith Irfan. And आज का एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट है. एंड आज की जो हमारी लोकेशन है मेरी सबसे सबसे फेवरेट है, क्योंकि हम जाने वाले हैं शुगर वैली. सफरंगा डेजर्ट से होते हुए हम जाएंगे शुगर वैली और जानेंगे कि शुगर वैली की इतनी खूबसूरती इसको कहाँ से मिली. सो फॉर दैट फॉलो मी अलोंग. One of my favorite times to ride is during the early morning hours. I find it to be a perfect time to ride. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये बोर्ड है जो हमें वेलकम करता है टू शुगर वैली. एंड मैं वैली के बिल्कुल एंट्रेंस पर आ गई हूँ. शुगर वैली में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इज़ द गेट वे टू K2 एंड द हाईएस्ट माउंटेंस ऑफ पाकिस्तान, द 8000ers, जिसको कौमी ज़ुबान में, जो बल्ती ज़ुबान है, शुगरू भी कहा जाता है. आई एम एक्साइटेड क्योंकि आज के हमारे एडवेंचर मेन्यू में हमने फोर्ट एक्सप्लोर करना है और पूरी वैली की हिस्ट्री एंड यहाँ के लोगों से मिलना है. सो गाइज, आर यू रेडी? फॉलो मी. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डेजर्ट एंड माउंटेन्स. इट्स द वन ऑफ माय फेवरेट रोड्स ऑफ पाकिस्तान. ऑनेस्टली, पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद सो मच ब्यूटी. I'm so excited. Oh my god, it's so beautiful. Look at it, Pakistan's in the bath. सफरंगा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए और माउंटेन्स को पीछे छोड़ते हुए मैं तकरीबन आधे घंटे की राइड के बाद शुगर वैली पहुंची हूं. शुगर वैली पहुंचने के बाद मैं इस सफेद कार को फॉलो करते हुए आंटी हसीना के घर पहुंची. इस पूरी वैली में मैंने आंटी हसीना का इंतखाब क्यों किया, ये तो मैं आपको उनके घर जाकर बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मिलाना चाहती हूँ जिसके बारे में मुझे खुद आज शुगर वैली में आते हुए पता चला. एंड उनसे पहले, इंट्रोडक्शन करवाने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि यू नो, जब भी मैं किसी नई वैली में जाती हूँ, कोई नया एडवेंचर करती हूँ या मैं किसी नई जगह जाती हूँ, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं स्पेसिफ़िकली वहाँ की जो खातून हैं उनसे गुफ्तगू कर सकूँ, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर सकूँ एंड जान सकूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन वैलीज़ में, इतनी खूबसूरत वैलीज़ में कैसे गुजारी है. एंड टुडे इज़ माई वेरी लकी डे, क्योंकि मैं जैसे शुगर एंटर हो रही थी तब मुझे लोग कह रहे थे कि अगर तुम शुगर वैली आई हो और तुम आंटी हसीना के घर नहीं आई तो तुम मान लो कि तुम शुगर वैली आई नहीं, तुमने घूमा ही नहीं. तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया टुवर्ड्स आंटी हसीना's house. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आप? जितना ही प्यारा आपका नाम है ना आंटी हसीना, उतनी ही प्यारी आप है. एंड कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ना. मैं ठीक हूँ. मैं मोटरसाइकिल पर आई यहाँ पर. अच्छा. एंड जैसे ही मैं एंटर हुई सबने मुझे कहा आंटी हसीना के घर जाना. अच्छा. तो मैंने कहा था ठीक है, फिर मैं जानूँ कि आपके बारे में. तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि यू आर दी वुमेन ऑफ शुगर. जी, शुगर वैली की आप जान है, शुगर वैली का दिल है. तो लोग क्यों ऐसे कहते हैं, क्या वजह है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की मोहब्बत है सब.
एंड आपको बेसिकली मैंने ये भी जाना है कि काफ़ी लोग आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, आप यूट्यूब पर भी आपकी वीडियोज़ चलती हैं एंड आपके टैलेंट के ऊपर, तो आपको कैसा फील होता है इसके बारे में? बस अच्छा फील होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आपको, आप कुकिंग भी करती हैं, आपने मुझे बताया था। जी मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना सकती हूँ। एंड तो मैंने छोटा गेस्ट हाउस बनाया था। अच्छा, मेरे बेटे ने yes. तो उसने कहा हमें गेस्ट हाउस बनाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। हाँ। माँ चलाइए इसको, मैं वैसे भी घर में खाना बनाती हूँ, हर वक्त मेहमान आते रहते हैं, मुख्तलिफ खाने में बना सकती थी। तो अपने कल्चर की वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, अभी आप थक के भी आएगी। हाँ। तो मैं खिलाऊंगी अभी आपको हमारे यहाँ के रिवायती खाने। ठीक है, ठीक है नहीं? I'm interested. जी, बिरयानी वगैरह ऐसे वैसे अभी आपको नहीं खिलाने, मैंने हमारे यहाँ के खाने खिलाने हैं। जी ट्रू, बिरयानी को अब मैंने बैन लगा दिया है और अब मैं ट्रू बल्ती खाना खाने लगी हूँ। तो अब मैं जाने लगी हूँ आंटी हसीना की किचन की तरफ एंड देखते हैं कि आंटी हसीना पे प्यारे हसीन हाथों से हमें क्या बनाकर खिलाएंगी। सो लेट्स गो। चलो पर आप कुक करती हैं। जी जी, व्हेनेवर आप जी जी, इसलिए मैंने इधर पानी चढ़ा कर रखा है। अच्छा, गरम पानी देखो। ओ हाँ, ये हमारे यहाँ की वाओ लोकल कुकर है जी। इसमें, अच्छा इस पे इतना गरम नहीं है वैसे? अभी गरम होगा जी, देर से गरम होता है ना। अच्छा जी, इसके अंदर। अच्छा पहले आप क्या करेंगे? मैं इसमें पानी डाला हुआ है तो इसको इसमें डालूंगी पकाने के लिए। अच्छा जी, it's very interesting yaar. ek second, I have this spatula. dono aapne ek saath hi daal diye? ji ji ji, kyunki humne isko thoda pehle paka ke rakha tha na, taki ye puri frost aata hai. so firstly ji ji, I am actually so surprised. jo tarika hai ki proper organic, sara khana organic hai. ji organic, hamare idhar baaki bahar to koi khana nahi milta hai. no wonder aap logon ki जिंदगी है वो इतनी आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ ठंड भी ज़्यादा है, हम सूप ज़्यादातर हम सर्दियों में जिस्म को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्तलिफ किस्में हैं, पाँच छः किस्में हैं सूप की। अच्छा, तो ये कौन सी किस्म है? ये ट्रबल है, ट्रबल है, बल है, फुरफुर बल है, फुरफुर बल है जी जी, रस बल जी जी, ट्रबल है, ट्रबल जी, सूप जी जी, वो बनते हैं क्योंकि हमें सर्दियों में गर्म रहना लाजमी है, यहाँ ठंड है ना। और इससे आप फुल मतलब आपका बॉडी हीट होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एंड उसके बाद इस पे पहले आप इसमें, लेट मी जस्ट ट्राई, मैं भी थोड़ा सा उनको मदद करूँ जल्दी जल्दी सूप बने। ओके, थोड़े पक गए तो फिर बाकी मैं डालूंगी। ये सब आपने क्या रखा हुआ इधर? ये हमारा देसी चौमेंस है। ये देसी चौमेन जी, ओह माय गॉड, आई हैव टू शो टू यू द गाइस, दिस इज देसी चौमेन जी, देसी आटे का बनते हैं ये, देसी आटे का बनते हैं, इफ यू कैन सी, ठीक है ना जी। अच्छा जी जी, फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के इसका बिरयानी भी बनते हैं, पुलाव अच्छा। भी बनते हैं सादा सादा सलाद के साथ। पहले आप इसको, इसके ऊपर मसाला इसको डालेंगे? नहीं नहीं जी, इसको हम पहले बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, फिर उसमें नॉर्मल पानी डाल के इसको डाल के हल्के दम पर रखेंगे। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके तड़के के लिए। कैन यू गाइस सी, दे डोंट यूज नॉर्मल कुकिंग ऑयल, एप्रिकॉट कुकिंग ऑयल जी जी। अगर आपको नजर आ रहा हो, वेट में थोड़ा सा करीब आ के आपको दिखाती हूँ, ये है वो एप्रिकॉट कुकिंग ऑयल एंड इसके अंदर वो सारा खाना बनाएंगी। और ये वाला कौन सा? फिर ये देसी जी, ये हम लोग खुद लस्सी बनाते हैं अपने घर का मक्खन है। अच्छा जी जी, कौन आप करती जी है जी, मक्खन जी जी। ओह माय गॉड, दिस इज देसी मक्खन। इसमें हम ये पप्पू के पप्पू बनाते हैं, इसमें वो अखरोट। लेट मी जस्ट ट्राई वन जी, लेट मी जस्ट ट्राई पप्पू में ना। फर्स्ट टिप मैं आप करने लगी हूँ अखरोट का, फर्स्ट ट्राई जी। शुगर वैली के अखरोट कैसे होते हैं? लेट मी सी, सो गुड जी, वाओ। अब मुझे समझ आ गया, ये एप्रिकॉट वो गिरी है, एप्रिकॉट जी, गिरी बादाम, ये एप्रिकॉट के बादाम जी जी। इसको हम पप्पू बनाते हैं, ये सब मिक्स करके चटनी बनाते हैं। हाँ। इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया वगैरह डाल के पुदीने सब पीसते हैं, फिर वो पप्पू आटा गूंथते हैं, देसी आटा गूंथ के फिर उसको बनाते हैं हम। अच्छा, वो दूसरे किस्म का सूप जी? वो पप्पू अलग है, वो खाने में खाते हैं जी जी जी। मुझे अभी से इतनी एनर्जेटिक फील हो रही है, नो वंडर आप लोग कितने मेहनती हैं, यू नो लाइक, बिकॉज आप लोगों का खाना ऐसा है जी जी, फुल ऑफ एनर्जी
अच्छा, फिर इस सूप को बनने में तकरीबन फिर कितनी देर लगेगी? इस आग में इस सूप के 2-3 घंटा तो लगेगी। अच्छा, ये तकरीबन 2-3 आवर्स सूप गंदुम है वो तो गोश्त वो सब मिल के साथ डालते हैं ना। अच्छा जी, जी देखना चाहती हूँ वैसे। Let me just try and see कि ऑलमोस्ट हो भी क्या है, आई मीन पिघल गया। ये मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट डिफ्रॉस्ट हो भी गया है। ये अभी उबलने शुरू नहीं हुए क्योंकि बहुत देर से गर्म होते हैं ना। अच्छा जी, ये फिर इसमें जायका बहुत मजे के जायका बनते हैं, इसमें सालन भी बनाते हैं हम लोग। हाँ जी जी, आपका और आपको पसंद है यहाँ बाहर किचन में एनवायरनमेंट के अंदर खुली हवा में? हमारा माहौल यही है। हाँ, वो वाला माहौल नहीं हुआ कि वो मॉडर्न किचन हो जाए। बाग में से धनिया लाओ, पुदीना लाओ, तोड़ देखो, प्याज लाओ, ये वो जी जी वो चले गए। वो दिन के बाजार जाते थे, अम्मियाँ भेजती थी कि जाओ जाके धनिया लेकर आओ, यू नो उस दिन चले गए। अभी आपके गार्डन है यहाँ पे ऑर्गेनिक गार्डन, से आप प्लग करते हो कोई भी धनिया हो या कोई भी गोश्त भी हमारा अपने घर में दही सब कुछ अपने घर में बनता है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव के ये है दिस ऑर्गेनिक किचन, जिसकी वजह से जो प्रॉपर बल्टी खाना है जी जी जैसे बनता है। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा यू नो लाइक हमारे इधर ये कोरोना अभी बाहर जगहों पे कितना ज्यादा फैल गया, हमारे इधर बहुत कम, 100 में से 20% भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानों की वजह से। खाने जितने आपके हेल्थी खाने होते हैं उतनी आपकी बीमारियाँ आपको कम पड़ती है। And now let's go inside and see auntie's house. And auntie मुझे थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में बताएंगी, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको auntie हसीना के बैठक के अंदर। Wow! Look at the interior designing. I must say, Auntie Haseena is very talented. I am so curious to know about her life. आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं यहाँ गेस्ट हाउस खोलूँगी? बिकॉज मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी कि यू नो यहाँ पर गेस्ट हाउस बस इस दौर में, जदीद दौर में देखो खवातीन शाना वशाना मर्दों के साथ चलते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा हमारे यहाँ खवातीन बहुत इस तरफ काम नहीं करते, मैंने कहा किसी ने नहीं किया, चलो मैं खुद कर लूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर था, तो मैं और मेरे बेटे मिल के मेरे मियाँ के साथ मीटिंग करके हमने छोटे गेस्ट हाउस खोला है यहाँ पे, हम अपने सकाफत को आगे करने के लिए, क्योंकि हमारे इस घर में मैंने एक फैमिली फैमिली वो देती हूँ इधर फैमिली माहौल देती हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं फैमिली माहौल देती हूँ अपने घर में, हमारे पुराने चीज़ें जो ख़त्म, कल्चर ख़त्म हो रहा था, पुराने चीज़ें ख़त्म, खाने पीने के पहले वाले खुराक ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा इसको आगे लाओ, तो मतलब कि इसको रिवाइव करो, रिवाइव करके आगे लाओ, क्योंकि अभी दुनिया की बीमारी आ रही जी खानों में। हाँ, ये तो है, हमने देखा भी किचन में कि आपने हर कुछ जो यूज किया था वो सब ऑर्गेनिक था। अभी देखो जी ऑर्गेनिक है हमारा, इसलिए शुगर के लिए इलाज वही है, ब्लड प्रेशर के लिए इलाज वही है, तो अपने घरों में सब कुछ है, तो हम मैंने कहा इसी को आगे लाओ। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आप यहाँ के एक सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है शुगर वैली की। एंड ऑनेस्टली मैं आपको देखकर इतना इंस्पायर हुई हूँ, यू नो लाइक ऑफ कोर्स मैं तो बाइक चलाती चलाती हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे हौसला मिलता है कि येस वुमेन आर लीडिंग देयर वेज यू नो इन द माउंटेन्स आल्सो, मतलब इस वैली में आप एक मोटर चला के वो कर रही है। मैं जब यहाँ पे लाई तो मेरे इस गाँव में कोई रोड नहीं थे, लाइट बिजली भी नहीं थे, बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की बात आ गई, तो फिर मैंने छोटा एक तंजीम खोला, 235 खवातीन मेंबर है, ज़रात पे हम काम कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट के साथ हमारा वो हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खवातीन को घर में रख के, हमारा खवातीन आगे पीछे नहीं जा सकते कहा, तो मैंने घर में रख के उनके लिए मुख्तलिफ हुनर ट्रेनिंग वगैरह अपने गाँव में करके अभी हम लोग ज़रात पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे कर्जे ला कर दे रहे हैं, तो इन खवातीन को साथ लेके उनको भी कोई मसला हुआ तो मुझे बताते, मैं स्कर्दू जा सकती हूँ, मैं आफिस जा सकती हूँ, मैं कमिश्नर के पास मैं जा सकती हूँ, जहाँ पे उनके लिए मसला हुआ मैं खुद जाती हूँ, मैं बात करके मैं उनका मसला हल करके बस मेरे खवातीन जो भी है उनके लिए मसला हल करने के लिए बैठती हूँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बाकी में यू लाइक आप मतलब उनकी खिदमत करती हैं, एंड एक सिंबल डेफिनेटली ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट।
एंड डेफिनेटली तो आपको इंटरनेशनली भी फिर लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। जी मुझे इंटरनेशनल पे, मुझे गिलगित में ले गए उन लोग ने, एक एआरएसपी के थ्रू ले गए, मुझे फातिमा जिन्ना मेडल दिया। वाओ जी, मुझे उनको, आपको मेडल मिला है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। So that means कि she is recognized in Pakistan. She is, आप recognized हैं और आपको awards मिले हैं। जी जी, तो मुझे अवार्ड भी मिला आर्ट मारिश को वुमन डे पे, मुझे अवार्ड भी मिला। क्या मैं अवार्ड देख सकती हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चले मैं दिखाती हूँ। ओके लेन, लेट्स गो एंड मैं जाके ना आंटी के साथ अवार्ड देखती हूँ। सो लेट्स गो एंड चेक हर अवार्ड्स। जी ये आर्ट मारिश को वुमन डे पे मिला था मुझे। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे बस मैं यही ख़वातीन के लिए काम करती हूँ, आगे पीछे गरीब ख़वातीन के साथ रहती हूँ, मेरा माहौल यही है, तो उन्होंने मुझे इस पे आपको ऑनर दिया। दैट मींस कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ करती रही हूँ और उससे कि मतलब कि वही बात ना कि मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि शिगर वैली में आप जैसी खातून जो लोगों की खिदमत करते, यू नो आपने ख़वातीन के लिए तंजीम बनाई, उनकी मदद की, सारी उम्र ही आई थिंक मदद में और खिदमत में लग गई। आई मीन लिटरली मैं आपसे आज इतना इंस्पायर हुई हूँ एंड दिस इज़ आई थिंक शिगर वैली की आप जान है, आप खूबसूरत वो एक पर्सनैलिटी है शिगर वैली की एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ओवरवेलम हुई हूँ। दीज अवार्ड्स आर ये पाकिस्तान की वो ख़वातीन है जो यू नो आंटी हसीना की तरह जो हमारे इस मुल्क को मजबूत बनाती हैं। These flowers and this environment is where I always want to be. काश मेरा भी यहाँ एक छोटा सा घर होता। Let me tell you a secret. मेरी विश लिस्ट में था कि मैं फ्रेश चेरीज को पिक करके खाऊं। एंड गेस व्हाट? मेरी ये विश पूरी हो गई। दीज चेरीज आर एब्सोल्युटली डिलिशियस। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विटनेस, द ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग। यही वो खास वजह है कि इस माहौल में रहने वाले लोग सेहतमंद और खुश अखलाक होते हैं। एंड बीइंग इन दिस एनवायरनमेंट मेक्स मी वांट टू से समथिंग दैट होम इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ फीलिंग। एंड दोस्तों, दैट वाज आंटी हसीना स्टोरी फॉर यू गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर ऑनेस्टली, बट एज यूजुअल हमें जाना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और मुझे आपको बताना है स्कर्दू और जो शिगर वैली के जस्टिंट एरियाज हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। सो फॉर दैट लेट्स मीट एट शिगर फोर्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। What an experience आंटी हसीना के साथ मिलकर इतना मुझे अच्छा लगा। ऑनेस्टली मैं बहुत ओवरवेल फील कर रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। आई मीन यू नो ऑनेस्टली मैं हम लोग जब मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, ऑफकोर्स यू नो आई एम फार अवे फ्रॉम माई ओन होम, लेकिन मुझे आंटी हसीना के पास आकर ऐसा लगा जैसे कि मेरा अपना घर है। और इतने वो हॉस्पिटेबल लोग हैं यहाँ शिगर के लोग, शिगरी इतना हॉस्पिटेबल, इतने वेलकमिंग एंड जस्ट लाइक जैसे आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो, यू नो। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई अनजान था। एंड नाउ वी गोइंग बैक, मैं जा रही हूँ शिगर फोर्ट की तरफ। शिगर फोर्ट बिल्कुल वो है एज यू कैन सी, एंड आई एम जस्ट गोना पार्क माय बाइक ओवर हियर, जस्ट हियर। वाओ, आई एम रेडी, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर शिगर फोर्ट। एंड गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ शिगर फोर्ट पे। शिगर वैली का ये बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक फोर्ट है
जो शिगर वैली के बिल्कुल सेंटर में आप उसको देख सकते हैं। एंड इस फोर्ट के पीछे एक बहुत ही मैजेस्टिक एंड माइटी किंगडम की कहानी है, विच इज़ द अमाचान डायनेस्टी। ये फोर्ट बेसिकली द अर्ली 16th सेंचुरी में राजा मोहम्मद हसन ने कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि 20वें राजा थे अमाचान डायनेस्टी के। और इस फोर्ट के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू फॉलो मी इनसाइड द फोर्ट। एंड इस फोर्ट के पीछे जो इसकी दीवारें हैं उनको ओपन करेंगे, वी विल ओपन द डोर्स टू द सीक्रेट ऑफ द अमाचान डायनेस्टी एंड द हिस्ट्री ऑफ शिगर वैली। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी, कम अलोंग। बहुत शुक्रिया पहले कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। वेलकम टू शिगर फोर्ट, आप सबको थैंक यू सो मच। तो मैं इस फोर्ट के बारे में ना एक हिस्ट्री जानना चाहती हूँ अबाउट द डायनेस्टी और यहाँ पे जो किंगडम गुजरा था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा ओके, एक्चुअली यहाँ पर आप स्टेन है, ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये हमारी इस फोर्ट का फर्स्ट एंड हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है। अच्छा, ओरिजिनली इस फोर्ट को फोंकर के नाम से पुकारा जाता है। फोंकर फोंकर इज द लोकल लैंग्वेज। फोंग मींस देखें इस बड़ी चट्टान को कहा जाता है, बिग रॉक को। यस, ये मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। प्लीज ऑलराइट, लेट्स गो टू द मेन एंट्रेंस। सो कम हम हसन खान अमाचा जो है वो एक्चुअली इस फोर्ट का मालिक था। इन्होंने 1634 में इसकी बुनियाद रखी थी। इसको बनाने के लिए इन्होंने कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर से भी लाए थे। अच्छा। तो यहाँ पर आपको कुछ कश्मीरी इन्फ्लुएंसेस कार्विंग भी नजर आएंगे विद द बल्टी इन्फ्लुएंसेस कार्विंग। ये बल्टी है ना, ये वाला डिजाइन, ये जो फर्स्ट वन है ना, ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है। चाइनीज ड्रैगन, यस, यहाँ पे पहले 14th सेंचुरी से पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट हिंदू भी रहते थे। ये हिंदुइज्म का रिलीजियस पैटर्न से अशोका है। ये इस्लामिक सूफीज्म का रिलीजियस पैटर्न से, चूंकि दो फाख्ते एक फूल को सूंघ रही, इसका मतलब अमन और मोहब्बत की अलामत है। और ये भी बुद्धिज्म का साइन बना हुआ है। अच्छा। ये लोटस बना हुआ है, इससे आगे वाला सनराइज है पर्शियन का। दैट मींस बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, यस, ये सारे मिक्सचर, क्योंकि राजा की तरफ से ये पूरे कम्युनिटीज को पीस का मैसेज था, ये सारे यहाँ एग्जिस्ट करते थे। तो ये एक पूरा इनके लिए यूनिवर्सल एक पैगाम था। यहाँ पे ख्वातीन के आर्नमेंट्स को मैं दिखाने जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में इमें जीनत हमारी लेडीज रिंग्स कैप्स, ब्लैक कैप्स पहनती थी। हाँ। तो ये जो ये कब्बा है जो टोपी के ऊपर लगाई जाती थी, जहाँ मैंने अक्सर देखे हुए। हाँ। कैप के ऊपर एक ऑर्नमेंट, बिल्कुल जी, उत्तराखंड में भी आपको यही नज़र आ रहे। हाँ। ये जो है न, ये तुमार है जो साइड ऑफ द कैप्स के ऊपर लगाई जाती है। देखें ये जो दरवाजे हैं, ये इस अलमारी के दरवाजे हैं। हाँ। इसमें ये इसका वुडन लॉक सिस्टम थी। ये लॉक क्या है इसका? इसके अंदर एक चाबी होती थी जिसकी तीन दान हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, इसको यहाँ से तीन दफा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। क्लिक, अगर आप इसको दो दफा या चार दफा या पांच दफा प्रेस करते तो ये लॉक ही नहीं खुलती थी। ये इसका पासवर्ड था, इट वॉज ब्रोकन। इट्स बैक साइड आल्सो ब्रोकन, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द कवर्स। ये वेंडूस है, कहीं लगे हुए थे, वहां से हमने उतार के यहाँ पे खूबसूरती के लिए डिस्प्ले किया गया। अच्छा, थैंक यू। राइट नाउ आई मीन द स्मॉल किचन, और इस स्मॉल किचन में मुझे लग रहा है ये जो सारी आपको कटली नज़र आ रही है एंड पॉटरी, ये राजाओं की है। और स्मॉल किचन को बल्ती जुबान में क्या कहते हैं? स्मॉल किचन को मैडम छुनसे हसीरी खंड कहा जाता है। एक सेकेंड, अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना ट्राई करूँ बोलने के लिए, थोड़ा मुझे ब्रेक करके बताएं क्या कैसे कैसे बोलते हैं छुनसे हसीरी खंड।
सुन से हसरे खन, यस सुन से हसरे खन, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं बलती बन गई हूँ ऐसा। तो अच्छा, तो इस स्मॉल किचन में ये जो बर्तन है कि इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। आप सबसे पहले ये जो रग देखें, ये इलाके का बहुत ही मजबूत और अच्छे बेहतरीन कालीन है। इट इज मेड ऑफ याक हेयर कव हेयर गॉड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। एस विल एस, इसके अंदर देखें यहाँ पे आग लगाई जाती है, यहाँ पर हांडी पकाई जाती थी, खाना पकाई जाती थी। अच्छा। यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे, वेट वुड फॉर ड्राई, हाँ ताकि ये ड्राई हो जाए ना। अच्छा। और इसकी फायर हीटिंग से और स्मोक गोस टू अपसेट इन चिमनी, ये चिमनी बना हुआ। I'm sitting at the Baradari, बहुत ही खूबसूरत ये बारादरी है एंड मुझे यहाँ पे लोकल टूरिस्ट मिले पाकिस्तानी जो कराची से शिगर वैली को एक्सप्लोर करने आए एंड आई वॉज शॉक। तो मैं इनसे ज़रा जानना चाहती हूँ कि इन्होंने शिगर वैली को ही क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सो आप कराची से शिगर वैली तक आए हैं, तो पहले मेरा सवाल ये होगा वाई शिगर वैली? हम लोग और भी जगह भी जा सकते थे बट आई एम अ राइटर एंड समबडी टोल्ड मी दैट देयर इज सो मच टू सी एंड वी वांट टू सी माउंटेन्स। सो माय होल राइटिंग स्टाइल इज के एशियन पीपल, ब्राउन पीपल, पाकिस्तानीज हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स नॉट जस्ट नेचुरल हिस्ट्री। हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे किले फतह किए हैं और हमें पता नहीं है बिकॉज मीडिया में, मूवीज में हम नहीं देखते। सो यू वांटेड टू कम आउट देयर एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ? या आई वांटेड टू टेक एन एजुकेशनल टूर यहाँ पे बट नोबडी रियली कम्स हियर एंड रियली लाइक टॉक्स अबाउट इट। हुआ क्या था यहाँ पे, कौन किस तरह के लोग रहते हैं, everyone's just like ye darak ke paas. Yeah, I totally understand. That's important too, lekin there's really like so much more history. And how was your experience so far in Shigar? It was very good. So I've been to Alti then Balti and over there I got fascinated ke hamari Asian history kya hai, Asian history ko. One thing I felt when I was in the UK that they are good at selling stuff, they are good at selling the history. I think we are not. If I gave you a rating on a scale of 1 to 10, kitna aap rating denge? I would give it 10. I would give Shigar Valley 10. And what about you? Yeah, I think 10 as well. So I also like to like place it, like the places I've been in Pakistan. Yeah, yeah. So let's say Hamza, Kashmir, Skardu. And for me, personally, it would be Kashmir first. Because I haven't explored Pura Skardu. I'll say 30% jo hamari schedule. So between that, I'll be like Skardu second, Kashmir first and Hamza third. The only reason I'm placing Hamza third is because for Amman. It's all right, okay. So ye thi inki rating and I will rate this valley at the end. जब हमारा सारा एडवेंचर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि इज दिस प्लेस वर्थ अ विजिट और नॉट। शिगर फोर्ट जो कि अमाचिन डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी सी झलक मिली एंड हमने जाना शिगर वैली की यू नो कल्चर एंड उनकी हिस्ट्री एंड हेरिटेज एंड उनके जो रहना सहना था लाइफस्टाइल के बारे में। एंड नाउ क्योंकि हम लोग सफरंगा डेजर्ट से होते हुए शिगर वैली की तरफ आए थे जिसमें हमने शिगर फोर्ट देखा और वैली की लोगों से मिले, हम वापसी में भी हमें सफरंगा डेजर्ट देखने को मिलेगा और सफरंगा डेजर्ट की खूबसूरती आप लोगों को गोल्डन आवर में मिलती है जब जो माउंटेन टॉप है उनके जो कोन्स हैं वो हल्की हल्की गोल्डन लाइट से इल्यूमिनेट होती है। सो आई एम नाउ गोइंग टू सफरंगा डेजर्ट टू एक्सपीरियंस एंड विटनेस द ब्यूटिफुल गोल्डन डेजर्ट। तो आई एम गोना गो एंड मीट यू एट द डेजर्ट नाउ। This is that road, जहाँ मेरा दिल किया मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में राइड करूँ
और सफरंगा डेजर्ट के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करूं। अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं जैसे ही बाबे शिखर को क्रॉस किया, मुझे ये डर्ट बाइक नज़र आई एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बाइक को इस डर्ट बाइक से थोड़ा स्विच कर लूँ एंड सफरंगा डेजर्ट के साथ ट्रू इन्जॉय करूँ इस डेजर्ट को। एंड मुझे अपनी बाइक से बहुत मोहब्बत है। माई मोटरसाइकिल गोज टू एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, बट फॉर नाउ आई स्विच्ड इट टू दिस डर्ट बाइक टू इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल स्कर्दू वैली एंड सफरंगा डेजर्ट। फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने शिखर वैली को एक्सप्लोर किया। पहले हम गए आंटी हसीना के घर ताकि हमने देखा कि शिखर वैली के लोग कैसे रहते हैं। एंड उसके बाद हम गए शिखर फोर्ट जहाँ पे हमने अमाचा डायनेस्टी एंड शिखर वैली के हिस्ट्री के बारे में जाना कौन से किंगडम्स यहाँ रहते थे। एंड मैं आपको रिमाइंड करती चलूँ कि ये गेटवे टू K2 है। यहाँ से दुनिया जहाँ के लोग K2 क्लाइम करने के लिए इस वैली से गुजरते हुए जाते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। एंड आई प्रॉमिस्ड यू गाइस कि मैं सफरंगा से गुजरती हुई जाऊँगी तो मैं सफरंगा को आपको इस गोल्डन लाइट में दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सफरंगा डेजर्ट की सही खूबसूरती इस गोल्डन लाइट में नज़र आती है। आई हैड एन अमेजिंग टाइम एट माई डर्ट बाइक, बट फॉर नाउ मुझे जाना है अपनी एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। सो आई मीट यू एंड माई न्यू डेस्टिनेशन, बट फॉर नाउ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ डिस्कवरी राइड HT एंड ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू डिस्कवर पाकिस्तान TV फॉर मोर एडवेंचर एपिसोड्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज। There is something special about Sufranga Desert in the golden light. It tells a different story every time when someone ventures onto it. Life is like an ocean of sand. It will always slip through your fingers and always slip away from you. There will, however, be a small part that stays in the palm of your hand. Be thankful for that. As I sit here and write down the final moments of my journey, I ponder, why do we travel? And I feel that we travel initially to lose ourselves, and we travel next to find ourselves.